टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल में PDIL में यानी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में एक PSUs मिनी रत्ना कंपनी है। तो इसमें AE और JEE लेवल में वैकेंसी है, बहुत सारे ब्रांचों के लिए आई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस है, अप टू द 3 ईयर तक है, यहाँ पे शार्प मेंशन है। तो 3 ईयर तक ये प्योरली कॉन्टैक्ट बेसिस पे है एक PSU। देखिए आजकल सारे जॉब ऐसे ही कॉन्टैक्ट बेसिस पे निकल रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। वैकेंसीज़ की बात किया जाए, देखिए सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, पहले सिविल इंजीनियरिंग में बात किया जाए जो वैकेंसीज़ है, डिप्लोमा पे कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी डिप्लोमा इंजीनियर 5 ईयर एक्सपीरियंस पे 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन 8 ईयर एक्सपीरियंस पे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिप्लोमा पे आप देख सकते हो 1 वैकेंसीज, बाकी 2 वैकेंसीज, 1 वैकेंसीज, बाकी टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, बाकी इन्फेक्शन NDT में 3। तो गाइज ये वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 थी। ठीक है, और भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, और भी है टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी में डिग्री इंजीनियर के लिए, वो डिप्लोमा के लिए था या डिग्री इंजीनियर के लिए है। BTech लेवल पे वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके प्रोसेस इंजीनियर में 6 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियर की बात की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है और 17-8 की कम्बिनेशन में। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग PB में 3 है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में 24 वैकेंसीज है। बाकी ये सब इलेक्ट्रिकल में आपको 16, में इंस्ट्रूमेंटेशन में 8, बाकी और भी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात किया जाए 107 वैकेंसी है। तो अच्छा खासा AE और JEE लेवल पे वैकेंसीज़ है। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना ज़रूरी है ये चीज़ों में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये है, फिर उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर आप डिग्री के लिए जाते हो तो मैकेनिकल बहुत सारे ऐसे हैं जो चीज़ें जो हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री में, ये प्रोसेस आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखता नज़र आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉट ऑफ ऑप्शन यू हैव, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन देख सकते हो। बाकी चीज़ें आगे चलते हैं, ये देखिए आपको जो सैलरी पे स्किल होगा, ये सैलरी आपको मिलने वाला है 31,770। आपको डिप्लोमा लेवल पे मैक्सिमम, BTech लेवल पे आपको 53,730 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, बाकी जनरल कंडीशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख सकते हो, 60% से अबव होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब है। ओके, बाकी ये आपका पेपर इंजीनियर जो टोटल वैकेंसीज है, ये पहले है 2 नंबर ऑफ 20 वैकेंसीज। बाकी डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट क्वालिफिकेशन आपको सबमिट करना है, 10th और 12th का मार्कशीट, बाकी ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पोस्ट।